स्वागत करते हैं स्टॉक मार्केट तक चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं ग्लेनमार्क लाइफ साइंस लिमिटेड के रिलेटेड। इस कंपनी के रिलेटेड 22 नवंबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यहाँ पे यदि इस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आगे का आप लोगों का क्या रणनीति होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे जिन्होंने IPO से लेकर अभी तक होल्ड किए होंगे उनको यहाँ पे लगातार गिरावट ही देखने को मिला है। कब तक यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है और आने वाले समय में इसमें कब तक तेज़ी देखने को मिलेगी उसके बारे में बात करेंगे। सो इन सारे पॉइंट्स के बारे में, टेक्निकल, बेसिक और डेट्स के बारे में भी देखेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो पाए। आज की डेट में आप सभी दोस्तों के लिए इस चैनल पर एक और इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड की है। आज इन तीनों IPO का ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, तीन वीडियो का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे और इन स्क्रीन पे लास्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं स्टडी के लिए। इसी तरीके का IPO या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल वाले सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जब भी इस तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँ आपसे नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। आने वाले अच्छे IPO में आप अपने अलॉटमेंट चांस को बढ़ाने के लिए प्रत्येक फैमिली मेंबर्स के डीमैट अकाउंट से एक एक लॉट अप्लाई करके आप अपने अलॉटमेंट चांस को बढ़ा सकते हैं, लिस्टिंग गेन का फायदा उठा सकते हैं। सो अभी तक अपने फैमिली मेंबर्स का डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में अपस्टॉक का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अपने प्रत्येक फैमिली मेंबर्स का डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन करवा सकते हैं और आने वाले अच्छे IPO में अप्लाई करके अलॉटमेंट चांस को आप अपने बढ़ा सकते हैं, लिस्टिंग गेन का फायदा उठा सकते हैं। सो बात करें यहाँ पे ग्लेनमार्क लाइफ साइंस के टेक्निकल्स के रिलेटेड, तो यहाँ पे देख सकते हैं जब से यह कंपनी लिस्ट हुई है तब से लेकर अभी तक यहाँ पे आपको गिरावट ही देखने को मिला है। और जो इसका सपोर्ट लेवल है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल यानी कि साइकोलॉजिकली लेवल भी कहा जाए, तो यहाँ पे इस कंपनी का जो सपोर्ट निकल कर आता है वो यहाँ पे 600 का काफ़ी ज़्यादा मेजर सपोर्ट आता है। एक बार यहाँ पे टच कर चुका है लेकिन यहाँ पे सेकेंड बार देखने वाली बात यह है कि यदि इसके नीचे जाता है तो यहाँ पे और नीचे जाने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन यदि आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं या लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कंपनी किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन मेरे स्टडी के अनुसार से अच्छे खासे कंपनियाँ आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स आप लोगों को दे सकती है। वहीं पे इसके RSI की बात की जाए तो यहाँ पे RSI इसका आप लोगों को जो ट्रेड करते हुए देखने को मिला है 40.77 पे, काफ़ी ज़्यादा यह फियर जोन में जा चुका है। यानी कि इस कंपनी की बात की जाए तो यहाँ पे अभी भी आप लोगों को इस सिचुएशन में परचेज करते हैं तो रिस्क टू रिवॉर्ड कम हो जाती है, तो यहाँ पे आने वाले समय में और बेहतर रिटर्न आपको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वॉल्यूम कम हो चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन कैंडल आपको कम ही देखने को मिल रहा है लेकिन रेड कैंडल भी देखने को नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे अच्छे खासे एक्युमुलेशन इस पॉइंट पे होते हुए देखने को मिल रहा है बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के द्वारा, कैसे उसको देखेंगे आगे। लेकिन इसके शेयर पैटर्न्स की बात करें यहाँ पे ग्लेनमार्क लाइफ साइंस लिमिटेड का जो यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग प्राइस आप लोगों को जो देखने को मिला था कल के डेट में, यहाँ पे देख सकते हैं 626 रुपया इसका मार्केट क्लोजिंग प्राइस है। लगभग यहाँ पे आपको 0.75% के गिरावट के साथ बंद होते हुए देखने को मिला है। इस कंपनी की बात की जाए जब से लिस्टिंग से लेकर अब तक की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को नेगेटिव ही रिटर्न्स दिया है। यानी कि आपको देख सकते हैं 16.37% का यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न्स जिन्होंने IPO से लेकर अभी तक होल्ड किए होंगे उनके पोर्टफोलियो में देखने को मिला हुआ। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कंसोलिडेशन फेज में जाते हुए देखने को मिला जो कि स्ट्रॉन्ग लेवल 600 के आसपास आपको देखने को मिल रही है। आने वाले समय में जो पॉइंट आप लोगों को बताने वाले उस पॉइंट में कोई भी चेंज आता है मेजर तो आपको इस कंपनी के शेयर प्राइस में अच्छे खासे तेज़ी देखने को मिल सकता है। कुछ डिटेल जानने से पहले यहाँ पे 18 नवंबर का आप लोग कारोबार देख सकते हैं किस तरीके से कारोबार होते हुए देखने को मिला है। 60,102 इक्विटी ऑफ शेयर ट्रेड हुए जिनमें से 35,268 इक्विटी ऑफ शेयर डिलीवरी में उठाया जा चुका है। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी की बात की जाए तो 59% का डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिला जो कि यहाँ पे इस पॉइंट पे गिरावट में भी एक अच्छे खासे डिलीवरी परसेंटेज ऐसे संकेत दे रहा है आप लोगों को आने वाले समय में। और जो एक्युमुलेशन हो रहा है उसमें आप लोगों को जो शेयर होल्डिंग्स पैटर्न आने वाले समय अपडेट किए जाएंगे उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज होते हुए देखने को मिल सकता है। बात करें यहाँ पर ग्लेनमार्क साइंस लिमिटेड कंपनी के रिलेटेड, तो यदि इस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, यदि आप लोग यहाँ पे कल के डेट में भी इस कंपनी के शेयर को बाई किए हैं तो यहाँ पे 22 नवंबर यानी कि 23 नवंबर तक इस कंपनी के शेयर को होल्ड करते हैं तो यहाँ पे आपको पर इक्विटी शेयर यानी कि एक शेयर यदि इस कंपनी का होल्ड करते हैं तो उसके बदले आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा जाते हुए देखने को मिलेगा वो 10 रुपीज़ 15 पैसे यहाँ पे आपको जाते हुए बैंक अकाउंट में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे कल तक यानी कि 23 नवंबर तक इस कंपनी के शेयर को कम से कम होल्ड करते हैं तो पर इक्विटी शेयर आप लोगों को 10 रुपीज़ 15 पैसा आपको जाते हुए देखने को मिलेंगे बैंक में। तो यहाँ पे अभी तक आपने इस कंपनी को सेल नहीं किया तो होल्ड कीजिए, आने वाले समय में और बेहतर रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कंपनी में तेजी कब आप लोगों को देखने को मिल सकता है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग जो देखने को मिला है 82.84%, यानी कि प्रमोटर्स की होल्डिंग जो IPO आने के बाद SEBI का रूल है कि यहाँ पर आपको
प्रमोटर्स की होल्डिंग जो होनी चाहिए वो 3 ईयर के अंदर यहाँ पे 75% तक आ जानी चाहिए या इससे कम होना चाहिए। तो यहाँ पे आने वाले समय में OFS या ओपन मार्केट में कंपनी के प्रमोटर्स अपने स्टेक को 75% तक करते हैं और आने वाले समय में FI जिस तरीके से एग्रेसिवली इसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि 8.03% और DI का स्टेक 0.46% देखने को मिला है। इन दोनों में यदि आप लोगों को स्टेक बढ़ते हुए देखने को मिलेगा तो आने वाले समय में और तेज़ी देखने को मिल जाएगा और साथ ही यहाँ पे पब्लिक के पास जो स्टेक देखने को मिला है 8.67% वो भी स्टेक कम होनी चाहिए तो आने वाले समय में इसके शेयर प्राइस में तेज़ी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग्स पैटर्न्स को काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व करना है क्योंकि इसके जो Q2 के रिजल्ट्स आए वो काफ़ी अच्छे आए हैं, साथ ही आने वाले समय में इसके रिजल्ट्स भी आप लोग कंटिन्यूसली सुधरते हुए देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे यदि इसमें इन्वेस्टेड है तो आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ ही एक डिस्क्लेमर आप लोगों को देना चाहूँ कि मेरे पास भी इस कंपनी का शेयर है, मैंने यहाँ पर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट किया था और यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए सोचा था कि 6 मंथ के पीरियड में आप लोगों को अच्छे रिटर्न्स दे देंगे, लेकिन यहाँ पे अभी तक देते हुए नहीं देखने को मिला है। तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाला हूँ, आपके पास यदि है तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, अच्छे रिटर्न्स आपको देते हुए देखने को मिल जाएंगे इस कंपनी। यानी कि पीयर कंपटीटर का आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे पीयर कंपटीटर सभी का यहाँ पे RSI जो देखने को मिला है वो 30 के एबव भी आप लोगों को RSI इसके देखने को मिला है, लेकिन इस कंपनी के RSI की बात की जाए तो ग्लेनमार्क लाइफ साइंस का तो 21 के RSI पर ट्रेड करते हुए देखने को मिला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा चीप वैल्यूएशन पर आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिला है पीयर कंपटीटर के अनुसार से बात करें। और साथ ही इस कंपनी का सेल्स ईयर ऑन ईयर बेस पर और क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस पर बढ़ते हुए देखने को मिला है। 30 पॉइंट ऑफ बेसिस पर भी बात की जाए तो कंपनी काफ़ी बेहतरीन है, साथ ही यहाँ पर जो पॉइंट्स आपको ऑब्जर्व करना है यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट कैप इस कंपनी का आपको देखने को मिला है 7671 करोड़ का टोटल मार्केट कैप है। PE रेशियो 21 पर ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। यहाँ पे डिविडेंड 1.68% कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देती हुई देखने को मिल रही है, साथ ही रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो यहाँ पे 61% है जो कि काफ़ी बेहतरीन है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट आपको 96.9% है जो कि दोनों पैरामीटर्स पर बात करें तो काफ़ी कंपनी बेहतरीन देखने को मिल रही है। साथ ही पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स की बात करें यहाँ पे कंपनी के प्रोस यानी कि पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट यह कंपनी डेट फ्री है और साथ ही यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए पास्ट 3 ईयर में कंपनी ने यहाँ पे 99.61% का दिखाई है जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है। साथ ही यहाँ पर डेप्टर डे की बात की जाए तो इम्प्रूव होते हुए देखने को मिल रहा है जो कि यहाँ पे 152 हो चुका है जो कि काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल रही है। और साथ ही यहाँ पे कॉन्स की बात करें तो कोई भी नेगेटिव पॉइंट्स इस कंपनी के रिलेटेड आप लोगों को यहाँ पे नोट नहीं किया गया जो कि पॉजिटिव पॉइंट्स हो जाता है। यहाँ पे देखा जाए क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस पर कंपनी का जो आप लोगों को रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात करें तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिला है। यहाँ पे देख सकते हैं रेवेन्यू भी इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है, प्रॉफिट भी आप लोगों को बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। साथ ही एनुअल रिपोर्ट की बात करें यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेस पर भी कंपनी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ दिखाती हुई देखने को मिल रही है। प्रॉफिट भी उसी रेंज में जिस तरीके से रेवेन्यू आप लोगों को देखने को मिला है बढ़ते हुए उसी रेंज में इस कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो इन सारे पॉइंट्स के अनुसार से बात करें तो कंपनी यदि आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए यदि आप लोग 1 से लेकर 2 ईयर के लिए होल्ड करते हैं तो भी अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे आपको आते हुए देखने को मिल जाएंगे। यदि इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए एक दो क्वांटिटी हर 5 या 10% की गिरावट पे ऐड ऑन करते रहते हैं तो आपको आने वाले समय में अच्छे वेल्थ जनरेट करके यह कंपनी दे सकती है। तो आप में से कितने दोस्तों के पास इस कंपनी के शेयर है स्टेक है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ताकि एक ओवरव्यू मिल पाए। सो आई होप आप लोग के लिए सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल है, कोई फर्दर डाउट क्वेरी कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। सो कीप इन्वेस्टिंग कीप ग्रोइंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय।